अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कुरान करीम में मुसलमानों के लिए जुड़कर रहने का हुक्म है। शैतान मुसलमानों में तफरका चाहता है। जो चीज़ मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़े उससे दूरी का हुक्म है। इख्तलाफ हो जाए तो कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करें। मस्जिद निमरा में शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का खुतबा हज। कहा, गुनाह के कामों में ताबुन न करें, तकवा में ताबुन करो। हर मुसलमान की जान और माल की भी हुर्मत है। वालिदैन, मियां बीवी और बच्चों के हुकूक वाज़ेह हैं। मक्का मुकर्रमा में हज के रुकन आज़म वकूफ़े अरफा की अदायगी दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िरी दी। आज़मीन आज हजरत इब्राहिम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी के बाद हाजी अहराम की पाबंदी से आजाद होंगे। बाल मुंडवा कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत तनीन जानवर पेश। ऊंट, बैल, छतरे, दुम्बे आ गए। बड़ों के साथ बच्चे भी खरीदारी के लिए जा पहुंचे। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, व्यापारी मनपसंद दाम न मिलने पर शिकवा के न। ईद की शॉपिंग में भी तेजी आ गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत शहर शहर बाजारों की रौनकें दोबारा। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप, चूड़ियों, जूतों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश लगने लगा। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने का मिशन। रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश लग गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों को सहूलियात फराहम करने में इंतजामिया नाकाम। बस अड्डों पर भी मुसाफरों का हुजूम लग गया। इजाफी कीमतें बटोरने का सिलसिला भी जारी। लाहौर में बस अड्डों पर कई कई फुट पानी खड़ा रहने से मुसाफरों को शदीद मुश्किल। विफाक हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा, बिजली की लोड शेडिंग न करने का फैसला। वजारत पावर डिवीजन ने अहकाम जारी कर दिए। टेस्को ने लाहौर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया। लेस्को की डिमांड 4130, फरहामी 4100 मेगावाट तक रिकॉर्ड। लाहौर जिना हाउस हमले की फोरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफा। रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी की साइंसी बुनियादों पर मौजूदगी साबित हो गई। टंडा बरदार शरपसंद 4:47 पर शेरपाव ब्रिज पर मौजूद थे। 5:57 पर मोटरसाइकिल सवार गिरोह ने फोर्ट्रेस की चेक पोस्ट के सामने रोड ब्लॉक की। शाम 6:15 फोर्ट्रेस चौक में शरपसंदों का टोला इकट्ठा हुआ। रात 8:40 पर CST ब्लॉक की गई। GIT ने तमाम डेटा फोरेंसिक के बाद SP कैंट को भिजवा दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से आर्मी अफसरान के लिए उनका मोराल सबसे अहम होता है, मोराल डाउन करना भी जुर्म है। फौजी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया, अभी तक किसी शहरी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें आपकी बात पर यकीन है। समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील पर दोबारा और फौरी गौर करें। जस्टिस यहिया अफरीदी का फुल कोर्ट बेंच बनाने पर जोर। अपने नोट में लिखा कि नागुजीर और संजीदा मामला बेंच मेंबरान के एतराज का है। सीनियर तरीन जज का बेंच पर एतराज का नोट पब्लिक हो चुका। बेंच पर सियासी चहमगोइयां हो रही हैं। फुल कोर्ट के बगैर फैसले से इसकी वक़्त कम होगी। IMF का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के लिए इकदाम पर इशारे इत्मीनान। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर का कहना है, पाकिस्तान ने अदायगियों के तवासुन का दबाव कम करने के लिए इकदाम किए हैं। पॉलिसी रेट को महंगाई के मुताबिक बढ़ाया गया। फॉरन एक्सचेंज मार्केट मजीद फाल हुई है। हालिया बजट में टैक्सों की शरह बेहतर बनाई गई है। PTI की मजीद अहम विकटें गिर गईं। नजर मोहम्मद गोंदल ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक वफाकी वजीर की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। आरिफ वाला से PTI के टिकट होल्डर अमीर हमजा खान रथ पार्टी छोड़ गए। अमीर हमजा PTI के हल्का PP 194 से उम्मीदवार थे।
पीर ऑफ सियाल कासिम सियालवी ने चेयरमैन पीटीआई से राहें जुदा कर ली। नाकामी कोई ऑप्शन नहीं, तमाम मुश्किलात को समझते हुए चैलेंज कबूल किया। चार साल बाद ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बड़ा ऐलान, कहा शहर को 50% तक पानी की कमी का सामना है। शहर में पानी की तकसीम गैर मुनसिफाना है, इसे मुनसिफाना बनाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की रिकॉर्ड महसूलात वसूली। FBR ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7000 अरब इकट्ठे कर लिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि 30 जून तक FBR की महसूलात में मजीद इजाफा होगा। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट का पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अहमदाबाद में होगा।